हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपका डॉक्टर फ्रेंड डॉक्टर निमेश और आज हम बुखार के बारे में बात करेंगे। मेरी ओपीडी में बहुत सारे पेरेंट्स आते हैं जिनको पता ही नहीं कि बुखार क्या होता है। बच्चे को एक्चुअली बुखार होता नहीं है, वो पैरासीटामोल वो देते जाते हैं। तो आज हम जानेंगे कि बुखार सही में किसे कहते हैं और कितने से ऊपर बच्चे का टेम्परेचर जाता है तभी आपको उसको बुखार की दवा देनी है। हमारे बॉडी का नॉर्मल टेम्परेचर होता है 36.8 डिग्री सेंटीग्रेड और फ़ारेनहाइट में होता है 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। लेकिन ये एग्जैक्ट नहीं होता है, ये वेरिएशन होता है। तो सेंटीग्रेड में 36.5 टू 37.5 यानी कि फ़ारेनहाइट में 97.7 से 99.5 डिग्री फ़ारेनहाइट तक टेम्परेचर का वेरिएशन नॉर्मल है, उसे बुखार नहीं कहते हैं। हमारे बॉडी का टेम्परेचर बहुत सारी चीज़ों पर निर्भर करता है, जैसे कि बच्चे की उम्र क्या है। बच्चों का टेम्परेचर बूढ़ों के मुकाबले ज़्यादा होता है क्योंकि बच्चों का मेटाबॉलिक रेट ज़्यादा होता है, वो कूदते फांदते ज़्यादा हैं। दूसरा, सेक्स। लड़कों का टेम्परेचर लड़कियों के हिसाब से थोड़ा ज़्यादा होता है। तीसरा, आपने कौन से टाइम पे बॉडी का टेम्परेचर लिया है, मतलब कि बॉडी का टेम्परेचर दिन में ऊपर नीचे होता है। शाम के टाइम पे वो एवरेज टेम्परेचर से 0.5 डिग्री सेंटीग्रेड ज़्यादा होता है और अर्ली मॉर्निंग में वो बॉडी के एवरेज टेम्परेचर से 0.5 डिग्री सेंटीग्रेड नीचे होता है, ये बदलता रहता है। चौथा, एक्सरसाइज। अगर आपने एक्सरसाइज की है, आपने दौड़े हैं, तो आपकी धड़कन तेज़ हो जाती है, आपका सांस फूलने लगती है, उसकी वजह से आपका बॉडी टेम्परेचर भी हाई होता है, उसको बुखार नहीं कहते हैं। पाँचवा होता है मील्स। अगर आपने स्ट्रेस बहुत लिया हुआ है या आपने खाना खाया होता है तो आपका बॉडी टेम्परेचर थोड़ा ज़्यादा दिखाएगा, उसको बुखार नहीं कहेंगे। आपका बॉडी का टेम्परेचर आपने मेजरमेंट कहाँ से किया है उसके ऊपर भी डिपेंड करता है। आर्म पिट से अगर आपने टेम्परेचर लिया हो और अगर आपने ओरल टेम्परेचर लिया हो तो ओरल टेम्परेचर आर्म पिट के टेम्परेचर से 0.5 टू 1 डिग्री फ़ारेनहाइट ज़्यादा ही होता है। अगर आपने रेक्टम से टेम्परेचर लिया हो, नीचे से संडास के छेद से टेम्परेचर लिया हो, तो वो ओरल टेम्परेचर से 0.5 टू 1 डिग्री फ़ारेनहाइट ज़्यादा ही होता है। तो टेम्परेचर हमारे शरीर के अलग अलग अंगों में अलग अलग होता है, तो ये जानना भी ज़रूरी है। टेम्परेचर हम अलग अलग जगह से ले सकते हैं। आर्म टेम्परेचर ले सकते हैं, ओरल टेम्परेचर ले सकते हैं, रेक्टल टेम्परेचर ले सकते हैं, मिडल ईयर टेम्परेचर ले सकते हैं, टेम्पोरल टेम्परेचर ले सकते हैं, और इस सब के इंस्ट्रूमेंट भी अलग अलग होते हैं। तो सवाल वहीं पे आकर अटक जाता है कि बच्चे का टेम्परेचर कितना हो तो उसको बुखार की दवा देनी चाहिए। देखिए, अगर आपने डिजिटल थर्मोमीटर यूज़ किया है और बच्चे की आर्म पीठ से टेम्परेचर लिया है, और मैं यही मेथड को प्रीफर करता हूँ, तो अगर बच्चे का टेम्परेचर 99.5 डिग्री फ़ारेनहाइट के ऊपर जाता है तो ही उसे बुखार गिने और तो ही उसे बुखार की दवा दें। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये इन्फॉर्मेशन पहुँच सके। अगर आपका कोई सवाल है, आप अपने बच्चे की हेल्थ के बारे में कुछ जानना चाहते हैं तो नीचे कमेंट करें। मेरा नाम है डॉक्टर निमेश और मैं हूँ आपका डॉक्टर फ्रेंड। अगर आप ये जानना चाहते हैं कि बच्चों को टैटू करवाना चाहिए कि नहीं करवाना चाहिए, टैटू की क्या साइड इफ़ेक्ट होती हैं, तो इस वीडियो को ख़त्म होने के बाद तुरंत ये वीडियो ज़रूर देखें।